देखिए, ये DCS सीरीज़ का छठा वीडियो है और इसमें मैं बात करूँगा वर्डपैड के बारे में। और ये वीडियो पूरा वर्डपैड का कंप्लीट वीडियो है और आप इसे पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई वीडियोज नोटिफिकेशन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसे ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर टैब दबा करके उसके बाद ऑल प्रोग्राम में ये देख सकते हैं, नीचे में जा रहा हूँ और ये देखिए विंडोज एसेसरीज है। इसके बाद यहाँ पर है वर्डपैड, यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये खुल गया। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप सर्च करें रन कमांड, ये रन। आप रन कमांड को शॉर्टकट की से विंडोज़ और आर की दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। आप यहाँ पर टाइप कीजिए राइट, देखिए राइट टाइप किया और ये खुल गया। और देखिए दोस्तों, एक और ऑप्शन है। अब फिर से रन कमांड ऑप्शन ओपन कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए वर्डपैड, देखिए ये खुल गया। तो ये तीन तरह हो गया। और एक और तरीका है जो आप शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं उसके लिए, चलिए मैं उसे पहले यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखिए मैं विंडोज़ एसेसरीज में आ गया। उसके बाद ये है वर्डपैड और देखिए इसका मैं मोर जाता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं है तो सबसे पहले मैं इसे खींच करके यहाँ लाऊँगा। ये देखिए यहाँ दबाया मैंने और यहाँ पर आ गया। और इसका प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की नन है, तो शॉर्टकट की आपका पहला तो दो कंट्रोल और शिफ्ट रहेगा, उसके बाद आपका कोई वर्ड रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल और शिफ्ट दबाया, उसके बाद मैं W रख देता हूँ, W से वर्ड खुल जाएगा और ये अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस किया तो ये देखिए खुल गया। तो आप यहाँ पर दो तीन तरह से आप खोल सकते हैं, मैंने तो चार तरह से बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है तीन चार आइकन ऊपर में, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वर्डपैड है। अभी ये फाइल को मैंने कुछ भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्डपैड है। यदि मैं उसका कुछ नाम दे देता हूँ तो यहाँ पर ये नाम आपको दिखाएगा। और ये है विंडोज़ कंट्रोलर की, विंडोज़ कंट्रोलर की मैं यहाँ पर है मिनिमाइज़, ये देखिए मिनिमाइज़ यहाँ हो गया। और ये है मैक्सिमाइज़, ये देखिए मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज भी दोनों होता है। और यहाँ से देखिए ये है क्लोज़ का बटन और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ से जितना भी मेन्यू है यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये है यहाँ पर तीन टैब दिया हुआ है, फाइल, होम और व्यू। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ होम, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, आई एम अ प्रोग्रामर, तो टाइप कर दिया। इसे मैं सेलेक्ट कर लिया माउस से। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ से फाउंट है, आप चुन सकते हैं अलग अलग फाउंट। ये देखिए अलग अलग फाउंट आप चुन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये है आपका साइज़ बढ़ाने का, ये देखिए साइज़ बढ़ा दे रहा, घटा भी सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकते हैं फाउंट को, ये देखिए, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं फाउंट को। तो मैंने इंक्रीज करके इतना बड़ा कर दिया। उसके बाद यह है बोल्ट, तो बोल्ट में कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल बी से बोल्ट हो गया। और यह है आई, इटैलिक, तो कंट्रोल आई से इसे इटैलिक कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद यह है अंडरलाइन, तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये यदि आपको इसको काटना है तो ये देखिए यहाँ से कटेगा ही। उसके बाद यह है सबस्क्रिप्ट, यह है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आप कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो ये देखिए दो नीचे में लिखा गया है, इसे ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ऐसे आप डबल में क्लिक कर दिया उसके बाद हट गया। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से फिर से आप सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए, फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर मैं इसे हटा देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको भी फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर से हटा दिया। उसके बाद टू ए बी, ये देखिए आप इस प्रकार से फार्मूला को भी लिख सकते हैं।
आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप देखिए ये है, मैं रेड कर दूँ, ये रेड हो गया। आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आपने देखिए ये सारा चीज़। उसके बाद ये है पैराग्राफ को इंडेंटेशन बढ़ाने के लिए, ये आपका इंडेंटेशन है रूलर बार। आप ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ, ये देखिए यहाँ से इधर बढ़ा सकते हैं, इधर घटा सकते हैं, और ये देखिए पॉइंट, आप पॉइंट दे दे करके भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए अलग अलग पॉइंट आप चुन सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ 4-5 लाइन, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और ये इंटर करके पेस्ट, और ये पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके ये देखिए मैं इसको पॉइंट में चाहता हूँ, ये देखिए अलग अलग हो गया है, 1 2 3 4 इस तरह लिख रहा है यहाँ पर। आप इसे ABCD पॉइंट भी दे सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं आप। तो मैं इसे फिर से इतना सेलेक्ट करके और ये डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है ये है ये देखिए लाइन स्पेसिंग, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, उसके बाद ये पेस्ट कर दिया, ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग कम बेसी भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये है डिफ़ॉल्ट 1.15, आप इसे कम भी कर सकते हैं, आप इसे मैक्सिमम 2 भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं भी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ 1.15। और यहाँ से यदि आप लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो इधर, यदि आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं ये देखिए, यदि आप मिडिल में लिखना चाहते हैं यहाँ से, और ये आपका फिट करना चाहते हैं इधर से जस्टिफाई, इधर से जैसा कि आपका बुक प्रिंट होता है तो यहाँ पर ये रहती है। जैसा कि यहाँ पर आप कुछ टाइप करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट में आ जाएगी, ये देखिए ये इधर और इधर, ये साइज मतलब मेंटेन करके चलता है इसमें। और ये है पैराग्राफ, और ये देखिए यहाँ पर है पिक्चर, तो पिक्चर पर क्लिक किया, आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने एक पिक्चर है PNG फाइल, मैं इसे ओपन कर दूं, ये देखिए आ गया। आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मैं इसे भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और ये देखिए पेन ड्रॉइंग, इस पर क्लिक करके आप कुछ सिंबल तैयार करके पेंट से यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ला सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं इसे बड़ा कर दूँ कुछ, और ये यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल बना देता हूँ, और इसमें कलर फिल कर देता हूँ ये हरे वाला। उसके बाद यहाँ सब क्लोज कर दें, या फिर इधर से एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट, तो फिलहाल आप मैं यहाँ से ही कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं फिर से इसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, और ये डिलीट कर दिया। और ये देखिए डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम कहीं इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए ये इतना सारा फॉर्मेट तैयार है, अब जो करना चाहें फॉर्मेट इंसर्ट वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए ओके कर दिया, आ गया फॉर्मेट, मैं इसे बड़ा कर दूँ कुछ, ये देखिए आपको दिखता है। और यह है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आप यहां से अलग अलग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी पेंट को ओपन करके इंसर्ट किया एक ऑब्जेक्ट। यदि आप ये देखिए फोटोशॉप को इंसर्ट करना चाहते हैं फोटोशॉप से, या फिर कहीं और से, देखिए यहां बहुत सारा यहां पर लिखा हुआ एप्लीकेशन का नाम वगैरह, तो वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसे। और ये है फाइंड, मैं भी कुछ टाइप कर दूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ IM प्रोग्रामर। उसके बाद ये है फाइंड, तो आप इसमें क्या फाइंड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं एम मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी एम है, देखिए अब यहाँ पर फिनिश हो गया, अब नहीं है। तो इस तरह से आप जैसे आपका बड़ा सा डॉक्यूमेंट तैयार है, आप उसमें कुछ फाइंड करना चाहते हैं, और ये है रिप्लेस, आप किसके जगह पर क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसा कि देखिए फाइंड व्हाट एम, और एम के जगह पर आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसा कि मैं रिप्लेस कर दूँ वाज, ये देखिए रिप्लेस रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ वाज कर देगा। तो देखिए फाइंड किया यहाँ पर, और इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, ये देखिए रिप्लेस हो गया।
आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ वाज हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी कैंसिल कर देता हूँ। और ये कंट्रोल ए से जिस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा था कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट ऑल, उसी तरह से यहाँ से भी आप देखिए कर सकते हैं। और ये देखिए ये टैब आपका पूरी हो गई लगभग। और यहाँ से देखिए पेस्ट पेस्ट जैसा कि मैं कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, यहाँ पर से भी देखिए कर सकते हैं। और यह कंट्रोल एक्स मतलब कट हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये कट किया, अब यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं इसे। बाकी ये रहा व्यू, व्यू में आप इसे जूम इन और ये जूम आउट कर सकते हैं। और ये देखिए पेज को 100% फिट करने के लिए है। और ये देखिए रूलर बार, ये आपको बताया था, ये है रूलर बार। और ये है स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर हाइड कर सकते हैं आप यहाँ से। और स्टेटस बार जैसा कि देखिए यहाँ पर ये दिख रही है आपको नीचे में ये वाला, ये आपका स्टेटस बार है ये देखिए। और ये है वर्ड रैप, वर्ड रैप आपने नोटपैड में भी देखा था। वर्ड रैप में क्या होता है, आप वर्ड रैप को हटा देंगे तो एक ही लाइन में लिखेंगे, देखिए अलग अलग ये मतलब हो जाएगा, ये देखिए अलग अलग हो जाता है पेज का साइज। अब मेजरमेंट यूनिट यहाँ पर जो है आप अलग अलग इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, या फिर पिक्सल में, जितना में आप इस चार पांच ऑप्शन में आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल इंच में रखने दिया है। तो ये जो है इंच में है, एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार, पाँच इंच, इस तरह है इंच में ये है रूलर बार। अब देखिए यहाँ पर होम और व्यू तो हो गया, अब उसके बाद बात करते हैं फाइल का। तो इसमें मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ये मैंने टाइप कर दिया, इसका मैं कुछ साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये देखिए साइज़ बढ़ गया। उसके बाद ये फाइल में आता हूँ और ये है न्यू। न्यू में क्या होगा, ये है जो पुराना जो पेज है उसके ऊपर नया पेज खुलेगा। और ये देखिए पुराना पेज को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर देंगे, और नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे। तो यदि आप सेव करना चाहते हैं तो ये देखिए सेव कर दिया। अब यहाँ पर ये नाम मांग रही है तो नाम मैं दे देता हूँ XYZ मैंने दे दिया नाम, और ये सेव कर दिया। और ये है नया वाला फाइल जो खुला। उसके बाद ये है ओपन, तो ओपन अब यदि आपके पास कोई पुराना फाइल है उससे आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया, अभी अभी मैंने सेव किया था XYZ नाम का फाइल का, मैं उससे ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से ये ओपन हो गया। उसके बाद यह है सेव और सेवेज। तो ये देखिए इसमें सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है, तो सेव और सेवेज में देखिए यदि मैं इसे कुछ एडिट कर देता हूँ, जैसा कि मैं कुछ लिख दिया ऐसा ऐसा इसमें कुछ लिख दिया, और उसके बाद ये सेव करता हूँ तो पुराना फाइल में जो XYZ नाम का जो फाइल है उसमें सेव हो जाएगा। और सेव एज यदि मैं करता हूँ तो नया फाइल में सेव होगा। ये देखिए जब नया फाइल में सेव होगा तो नाम तो मांगेगा ही, तो मैं इसे फिर XYZ2 कर देता हूँ और ये सेव हो गई XYZ2 नाम का। तो आपको समझ में आई सेव और सेव एज। ये है प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट करने से पहले आपका कैसा पेज दिख रहा है। उसके बाद ये है प्रिंट, और ये है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कितना कॉपी करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पेज नंबर कितना बढ़ा सकते हैं ये देखिए। उसके बाद ये है पेज सेटअप, पेज सेटअप में आप पेज को सेटअप कर सकते हैं कितना का साइज रहेगा आपका पेज का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। ये है पोर्ट्रेट में भी खड़ा है वर्टिकली, लैंडस्केप में क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा ऐसा ऐसा। आप ये देखिए मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं लेफ्ट में राइट में, तो यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। यदि आप बहुत कम छोड़ना चाहते हैं देखिए जैसे 0.5 छोड़ना चाहते हैं यहाँ से देखिए ऐसा ऐसा टॉप में आप अपना इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने भी 0.5 कर दिया ऐसा हो गया। आप लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं 1 छोड़ना चाहते हैं, राइट में भी 1 छोड़ना चाहते हैं, देखिए ये पेज को सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है सेंड इन ईमेल, आप इसे ईमेल में भी सेंड कर सकते हैं यहाँ से। और यह है अबाउट वर्डपेड, अबाउट वर्डपेड मतलब ये विंडोज 10 का वर्डपेड है ऐसा से दिखाएगा इसका इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं,